स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीठी फैमिली चैनल में। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने और ये देखो मीठी बैठी हुई है। और कहाँ जा रहे हैं घूमने, किसके साथ घूमने जा रहे हैं, वो सब कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं और आगे बच्चे बैठे हैं और मीठी भी पीछे बैठी हुई है। और यहाँ का सीन काफ़ी खूबसूरत था क्योंकि सनसेट का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। 3 बजे थे, मतलब सनसेट का भी टाइम नहीं था पर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी इस टाइम पर। और कितना अच्छा लग रहा है ना, ये है हमारे मध्य प्रदेश की चमचमाती हुई रोड के किनारे के जंगल। और यहाँ पे फाटक बंद था तो हम लोग यहीं पे खड़े थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। और जहाँ आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ मतलब इधर साइड रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस मंदिर को जानते हैं क्योंकि ये जो मंदिर की मूर्ति है वो खुद से निकली हुई है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत ही शक्ति है माता रानी में। तो चलो आप लोग मीठी से बातें कर लो। आज हम लोग जा रहे हैं उचेहरा। कहाँ जा रहे बेटी? कितने बार गई बेटी? गई हो? 5 बार। अरे 5 बार गई है मीठी, है ना? बुआ जी को घुम्मी कराने जा रही हो? उचेहरा गई है कितनी बार आज? हाँ बुआ जी भी तो इतनी बार घूमी गई हैं। हम लोग फ्रेंड्स को लेके चल रहे हैं पहली बार, है ना? फ्रेंड्स चल रहे हैं पहली बार उचेहरा घूमी करने, है ना? हाँ चलो चलते। गट से दवा पी लेती है, बड़ी हो गई है। और बातों बातों में ये ब्रिज के ऊपर का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा चला गया, पर मैंने थोड़ा सा जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया, उसको स्लो मोशन में आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मुझे खूबसूरत लग रही हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाए। और आप लोग भी इस मोबाइल की स्क्रीन में माता रानी के भी दर्शन कर लो और जो हमारे मध्य प्रदेश का सीन है वो सब कुछ देख लो। बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं ऐसी जगहों पर, और बहुत सारे लोग जैसे इलाहाबाद में रहते हैं ना, उनको ये सब ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती जल्दी से। तो यहाँ पर रोड के किनारे काम चल रहा था, मतलब रोड बन थी, और यहीं से हम लोगों को लेना है एक टर्न, और इसी टर्न लेने के बाद आ जाएगा एक गांव जिसका नाम है उचेहरा। तो इसी गांव के अंदर है वो मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन काल की मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति है इस मंदिर में। और हर साल नवरात्रि में इतनी भीड़ होती है ना यार कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं नवरात्रि में खुद गई थी तब मुझे समझ में आया कि यार सच में बहुत भीड़ थी। और यहाँ पर खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा, जो ये गाँव के घर और खेत, पता नहीं क्यों आँखों को ना ठंडक महसूस होती है इस जगह, ऐसी जगह पर आके, और बहुत सुकून भी मिलता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है गांव को देखना। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पैदल चल के पूरा गांव घूमती, टहलती, खेत देखती, सब कुछ देखती। जब मैं अपने गांव कुंडा प्रतापगढ़ जाऊंगी ना तो आप लोगों को अपना पूरा गांव दिखाऊंगी, और वहां पे तो मैं टहल भी सकती हूं उतर के, और मैं काफ़ी अच्छा टाइम बिताने वाली हूं अपने गाँव में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी ब्लॉग्स आगे डालूँ वो सब कुछ आपको देखने को मिले। तो ये देखो गाँव के स्कूल इसी तरीके से होते हैं, यहाँ बच्चे बाहर खेलते हैं, बहुत बड़ा सा मैदान रहता है और बीच में स्कूल रहता है, और इसी तरीके से दिखता है गांव के स्कूल। और आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है वो भी इसी तरीके से होता है। और ये शाम का टाइम था ना तो इसलिए और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर आते आते रात हो गई थी। तो अब इसी जो शेर वाली मूर्ति दिखी इसी के बाद आ जाएगा मंदिर जहाँ माँ उचेहरा ज्वाला माता हैं, जहाँ पर उचेहरा धाम है और माँ ज्वाला देवी उन मंदिर का नाम है। तो बस अब हम लोग चलते हैं, इंतज़ार किस चीज़ का है। और मैं आपको थोड़ा सा ना सूर्य की रोशनी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो सूरज देता है वो एकदम छुपने वाले हैं, तो काफ़ी प्यारा व्यू था। तो बस ये देखो मंदिर आ गया, ये देखो दुकानें लगी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें लगी थी। आ गए मिठी, मंदिर आ गए, चलो हैंड सैनिटाइज करो। ये देखो माँ ज्वाला धाम शक्तिपीठ उचेहरा। और तो हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद ही इसके पीछे बना हुआ था वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ लिखवाया जा रहा है, और इसी के पीछे चप्पल सैंडल जूता ये सब उतारने की जगह थी। तो यहाँ पर हम लोग अपने स्लीपर जूते सैंडल ये सब उतारेंगे और चलेंगे मंदिर के अंदर। क्या दिखाओगी फ्रेंड्स लोग को? आ जाओ, कल हम लोग दिखा दें वरना बोलेंगे कि हम लोग कहाँ खो गए। देखो हम लोग माँ ज्वाला के धाम के अंदर आ गए हैं, और किसी भी जो धार्मिक स्थल वहाँ जाओ तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और यहाँ देखो कितनी अच्छी, कितना प्यारा लग रहा है बागीचा, इधर भी है और इस साइड भी है। थोड़ी सी ब्लॉगिंग करने में मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं।
तो मैं जब बोल रही थी ना कैमरे पे, तो लोग मेरा मुंह देख रहे थे कि ये किसको बता रही हैं, मतलब वीडियो कॉल में बता रही हैं क्या। तो इसलिए मैंने क्या किया, वॉइस ओवर दे रही हूँ यहाँ पे। और यहीं से है एंट्री मंदिर के अंदर जाने की, गेट के पास, और यहीं पे प्रसाद मिलता है। तो चलो प्रसाद ले लेते हैं और आपको एक मेन चीज़ दिखाते हैं। अगर आप ट्रेन बाय ट्रेन आ रहे हो तो यहाँ पे सॉरी ट्रेन की जो सारणी बनी होती है ना, सारणी ही बोलते हैं उसको शायद, सूची बनी रहती है कि कौन सी ट्रेन कब आ रही, कहाँ आ रही है, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है। बढ़िया बकायदा लिखा हुआ था सारे ट्रेन नंबर वगैरह। और ये देखो, ये है माता रानी का पूरा प्रांगण, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है और नीचे माँ ज्वाला बैठी हुई हैं करौंदे के पेड़ के नीचे। मेन बात पता है, जो करौंदे का पेड़ है उसके नीचे माता रानी बैठी हुई हैं। और ये बहुत साल पुराना मंदिर है और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ भी थोड़ी बता देंगी कि इतना साल पुराना है। तो ये देखो माँ जो बैठी हुई हैं, वैष्णो देवी, जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी देखते हैं, बस उसी तरीके से माता यहाँ बैठी हैं। मतलब उन्हीं की जैसे ही दिख रही हैं, ये ज्वाला माता हैं। और यहाँ पर मुझे पंडित जी ने बोला कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो बस इतना ही दिखाने के बाद मैं कर दूँगी कैमरा ऑफ, और जब मंदिर से निकलेंगे उसके बाद कैमरा ऑन। तो ये देखो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, उसके बाद अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ भंडारा होता है, यहाँ भंडारा कक्ष है पूरा, मतलब भंडारे की लाइन लगती है, पुरुष महिला लिखा हुआ है ना जहाँ पे, यहीं पे भंडारा होता है। और ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है, मतलब अंदर ही है, अभी हम मंदिर के अंदर हैं। मतलब ये माता रानी जहाँ अंदर बैठी हुई हैं उससे बाहर निकल आए हैं। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी थी फिर से। और यहाँ पर इतने सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे ही साथ थे, बस अपनी जो अलग अलग गाड़ी से थे इसलिए कम लोग दिख रहे थे, पर साथ में ही थे इसलिए मैंने वॉइस ओवर अलग से दिया है। यहाँ पे देखो आरती लिखी हुई है माँ ज्वाला देवी की, और जब आरती होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, पूरे एकदम गाजे बाजे के साथ आरती होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नवरात्रि के टाइम कभी और आऊँगी ना, जब एकदम अच्छे से इत्मीनान से हस्बैंड जी के साथ, तो आपको पूरा पूरा मंदिर दिखाऊंगी। और ये जो यहाँ पे हम लोग जब खड़े हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे अंकल पूछ रहे थे कि इस साइड क्या है, तो इस साइड बहुत ही अच्छी सी नदी है और बहुत अच्छी सी शंकर जी की खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ शंकर जी की ना वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत अंदर है पर ऊपर नदी पानी बहुत होगा कुछ नहीं। सर्दियों के टाइम में आपको पता है कि सर्दियों के टाइम में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, वरना मैं आपको इस जो मैं मेरे पीछे का रोड है रास्ता वहाँ लेकर चलती, वहाँ काफी अच्छा लगता है। मैं नेक्स्ट बार पूछो फ्रेंड्स को नाम बताओ। दादू बोल रहे हैं मीठी नीम, बेल लगी है, खीरा लगा है, चलो बेटी चाचू साथ जाएगी ना। वो पेड़ आप देख सकते हैं, वाओ सूखा सा जो पेड़ आपको दिख रहा है, इस पेड़ में चुनरी बांधे हैं लोग, अपनी जो भी मन्नत का होता है वो मांगते हैं, चुनरी बांधते हैं यहाँ पे। और मंदिर पीछे है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब दर्शन तो हम लोगों ने कर ही लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी चप्पल जो सैंडल उतारी थी वो पहन भी ली। तो अब जा रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हैं वो सब देखने। इसके बाद मैं आपको छोटी छोटी और दुकान दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब चीज़ें की दुकान लगी थी, और खिलौने की भी दुकान थी, तो बच्चे खिलौना लेना तो भूल नहीं सकते हैं। तो ये देखो हम लोग यहाँ चाय पीने आए थे, तो यहाँ पे मीठी और मीठी के प्यारे प्यारे भाई सब अपना अपना खिलौना दिखा रहे हैं आप लोगों को। क्या मिला है ये देखो, ओहो सो स्वीट, हाँ हो गया, बहुत प्यारा है, खोलना मत, घर जाके खोलना ठीक। मीठी की खुशी तो बिल्कुल भी समा नहीं रही है, और रात बहुत हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो रिकॉर्ड कुछ होने से रात दिखेगा नहीं। तो चलो अब मैं सीधे चलती हूँ घर, फिर घर में करते हैं आपसे बातें। 6:10 हो गए हैं, तो मैं जा रही थी चेंज करने, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी अब बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ ठीक से बात नहीं कर पाई हूँ। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये देख लो ये कौन सी खुशी है भाई। चलो पहले इनका ये गिफ्ट खोल देते हैं जो ये लेकर आई हैं, उसके बाद फिर आपसे करते हैं क्या बातें।
भी सूट नहीं किया था सुबह से, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करा देते हैं और कुछ सूट कर लूँगी तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, तो इसलिए मैंने सूट कर लिया है आज। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा दी से मिल के, बहुत दिनों बाद मिली थी वो, कि कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़ के दिल के रिश्ते होते हैं, तो उनके साथ हमारा वही रिश्ता है। हमारे पापा जी के दोस्त की बेटी हैं वो, और काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे खून के तो नहीं होते पर दिल से बहुत ही ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ, वो मुझे मानती है, तो इसलिए आज का दिन उन्हीं के नाम पूरा चला गया और काफ़ी अच्छा लगा, मेरा पूरा दिन उनके साथ गया। तो इसलिए मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं की, कुछ हो जाता है जैसे कि अपना जो पर्सनली टाइम है तो वो उनके साथ स्पेंड किया, तो उसमें व्लॉग जैसा कुछ था नहीं दिखाने को। और फिर उसके बाद फिर मैं जब मंदिर गई, देख रहे हो कैसे बार बार अपना खिलौना दिखा रही है, ये आपकी आपकी प्यारी आपकी दुलारी, किसकी प्यारी है, फ्रेंड्स की प्यारी है, दुलारी है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और हम मिलेंगे आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। बुआ चली गई हाँ। अपने घर हाँ। मिट्टी को छोड़ के हाँ। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ चेंज साड़ी और फिर जाती हूँ, देखती हूँ कि खाना पीना क्या बनाना है, क्योंकि अभी शाम को 6 बजे है, 6:30 बजने वाले मतलब, और अब तो डिनर का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने। और आज मैं कुछ भी रेसिपी नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं वो अपना प्यारा सा जो ट्राईपॉट है वो उठाऊँ और फिर उसके बाद वो आप लोगों को कुछ रिकॉर्ड करके रेसिपी दिखा पाऊँ। तो अब मैं जाऊँगी, सीधा चेंज करूँगी और जो भी थोड़ा बहुत बनाना है खाना पीना वो बनाऊँगी, और आपको मिलूँगी फिर से इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।